ट्रांजिशंस, ये वर्ड आपने हमारे पुराने लेक्चर्स में भी ज़रूर सुना होगा। और उस वक्त जो हम बात कर रहे थे, बेसिकली इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे कि एक शॉट से दूसरे शॉट में जाने के लिए कौन से ऐसे तरीके हैं, क्या ऐसी ट्रांजिशन है जिसको यूज़ करके हम अपने एक शॉट से दूसरे शॉट में जा सकते हैं। जल्दी से अगर हम एक क्विक रिवाइज करें इस वक्त, तो हमारे पास था सबसे पहले कट, सेकेंड हमारे पास था डिसॉल्व, थर्ड हमारे पास फेड इन और फेड आउट, और फोर्थ जो हमारे पास था वाइप। तो बेसिकली हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर जो ट्रांजिशन का एक टैब है, एक पूरी विंडो बनी हुई है, वो बेसिकली उस वाइप वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसमें डिसॉल्व भी मौजूद है, फेड इन फेड आउट भी हम इसी से बनाते हैं, लेकिन जो बाकी ट्रांजिशन जो कि फन एलिमेंट है, जो शेप्स के साथ जो कि आप सारा एक ट्रीटमेंट बनाते हैं, वो बेसिकली इसमें वाइप्स भी शामिल हैं और फर्दर ट्रांजिशन भी हम उनको नाम दे सकते हैं। वो कौन कौन सी ट्रांजिशन और वाइप्स हैं उनको हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। जी, कुछ हम नए एसेट्स को इम्पोर्ट करते हैं और उनके ऊपर हम ये ट्रांजिशन अप्लाई करके देखेंगे। हमने कुछ नए वीडियोस भी इसमें रखे हैं और हम देखते हैं कि हम उन पे किस तरीके से हम अपनी ट्रांजिशन और ये वाइब्स वगैरह कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे लगाते हैं। हम इस वक्त अपनी फाइल्स को इम्पोर्ट कर चुके हैं, फर्दर इनकी एक क्विक सिलेक्शन कर लेते हैं कि हमें कहाँ से कोई शॉट चाहिए, कहाँ तक चाहिए। और आप देख सकते हैं ये मैंने क्विक सिलेक्शन की टाइमलाइन पर रखा। हाँ, इस वक्त आपको ये एक मैसेज विंडो अपेयर हुई है और ये आपसे पूछ रहा है कि क्या आप अपने सीक्वेंस की सेटिंग चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग सेटिंग चल रही थी वो 1920x1080 यानी कि HD थी, और जो अभी फुटेज हम रखने लगे हैं टाइमलाइन पे वो 4K है। तो वो पूछ रहे हैं कि अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब अगर हमारी आउटपुट हमें पता है हमने 1080 पे ही लेनी है, HD पे ही लेनी है, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। हम फर्दर इस फुटेज को, इस एसेट को जिसकी रेजोल्यूशन डिफरेंट है, हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। और ये हम पहले देख चुके हैं कि किस तरीके से हम उसको एडजस्ट करते हैं अपनी इफेक्ट कंट्रोल विंडो के थ्रू, मोशन से, स्केलिंग से, या फिर रोटेशन अगर आपको कहीं पर ज़रूरत हो तो उससे भी कर सकते हैं। तो इसको हम कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग्स पे रखेंगे। ये मेरे पास ऐड हो चुका है, मैं अपने सेकंड क्लिप में जाता हूँ। मेरे पास एक एस्ट्रोनॉट का क्लिप है और क्विक मैंने सिलेक्शन की इन पॉइंट, और जहाँ तक मुझे चाहिए है मैंने आउट पॉइंट, इसको मैं टाइमलाइन पे रखता हूँ। मैं एक और, मेरे पास ये एक शॉट इन पॉइंट लगाया और मैंने यहाँ पर आउट पॉइंट लगाया और मैंने इसको यहाँ पे टाइमलाइन पे रख दिया। आप देख सकते हैं कि इस वक्त आपके पास तीन क्लिप्स टाइमलाइन पे मौजूद हैं। मैं अगर यहाँ पर अपने इफेक्ट के विंडो में जाऊँ, इफेक्ट के टैब में जाऊँ, तो यहाँ पर मेरे पास फोल्डर्स हैं और इसमें आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर आ रहा है वीडियो ट्रांजिशन। इसको अगर हम यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू को खोलें तो आपके पास बहुत सारे और भी फोल्डर्स हैं, और इन फोल्डर्स के अंदर फर्दर इनकी अपनी और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ट्रांजिशन और वाइप्स मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आपको बिल्कुल एक बेसिक ट्रांजिशन जो कि हम यूज़ करते हैं, बहुत कॉमन हमारी यूज़ होती है, क्रॉस डिसॉल्व। ये बेसिकली क्या करता है, हम इसको लगाने का तरीका पहले देख लें। ट्रांजिशन लगाने के लिए आपको दो क्लिप्स के बीच में, जहाँ पर वो जॉइन हुए हुए हैं, जहाँ पर वो कट एक बीच में आ रहे हैं, तो उसके बीच में आपको जौन सी ट्रांजिशन इम्प्लीमेंट करनी है, आप उसको ड्रैग करके लेके जाएंगे और अपने दो क्लिप्स के बीच में लाके माउस को छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं आपके पास ये एक ट्रांजिशन ऐड हो चुकी है। क्रॉस डिसॉल्व को हमने ड्रैग किया था, क्रॉस डिसॉल्व बेसिकली डिसॉल्व है, और इसको हम प्ले करके देखते हैं। आप देख सकते हैं पहले मैं इसको अंडू करता हूँ और पहले ये एक कट के ऊपर था शॉट, एकदम से ही आपका एक शॉट बंद हुआ और नेक्स्ट शॉट आपके पास आ गया। वही जो हमने क्रॉस डिसॉल्व लगाया, दोबारा से लगाते हैं हम इसको दो क्लिप्स के बीच में और अब इसको प्ले करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से, मैं ये फ्रेम बाय फ्रेम आपको दिखाता हूँ, कि एक शॉट उसकी ओपेसिटी कम होनी शुरू हो गई और वो एक नेक्स्ट शॉट में मिक्स होना शुरू हो गया, डिसॉल्व हो गया।
रियल टाइम प्ले करके देखते हैं इसको, तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ट्रांजिशन डिसॉल्व, आप इसको फिल्म में पर्पसली यूज़ करते हैं जब आपको टाइम गुजारना हो, जब आपको टाइम को दिखाना हो कि इस वक्त एक जगह पे बैठे हुए टाइम गुजर रहा है आगे। और इसको आप, इसकी शॉर्ट की भी है कंट्रोल डी, अगर आप यहाँ पर बीच में इसको सिलेक्ट करेंगे दो क्लिप्स के बीच में और कंट्रोल डी करेंगे तो अब बाई डिफ़ॉल्ट ये ट्रांजिशन आपके पास लग जाएगी, क्योंकि ये बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सिलेक्टेड है। इसके अलावा आप किसी भी और ट्रांजिशन को इसी तरीके से जब दो क्लिप्स के बीच में लगाएंगे, अब मिसाल के तौर पे अब यहाँ पर हमारे पास डिप टू वाइट है, डिप टू वाइट को मैं इसके बीच में लगाऊंगा तो जिस तरह के ये क्या करेगा कि इसको इस पॉइंट से जहाँ से ट्रांजिशन शुरू हो रही है, पहले वो डिसॉल्व हो रहा था दो क्लिप्स आपस में मिक्स हो रहे थे, अब वो वाइट की तरफ जाता है और उसके बाद फिर वो दूसरे क्लिप के ऊपर आ जाता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रांजिशंस जो हैं आपके एडिट को, आपके वर्कफ्लो को थोड़ा सा स्टाइलाइज कर देती हैं। आप डिफरेंट शेप्स के थ्रू भी, मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पर आयरिस है और आयरिस में अगर मैं जाता हूँ मेरे पास, मैं यहाँ पर आयरिस डायमंड ट्राई करते हैं हम सेम उसी तरह बीच में ड्रैग करेंगे, पुरानी ट्रांजिशन को वो रिप्लेस कर देगा क्योंकि उसकी जगह पर हमने नई ड्रैग कर दी है, और मैं यहाँ से प्ले करता हूँ इसको तो आप देख सकते हैं कि वो एक शेप के थ्रू ट्रांजिशन हुई है और आपके पास नेक्स्ट क्लिप जो उसके साथ था वो अपेयर हो गया है। हम इसको अंडू करते हैं और हम डिफरेंट क्लिप्स पे डिफरेंट ट्रांजिशन ट्राई करते हैं, एक और हम अंडू करते हैं, यहाँ पर डिसॉल्व लगाया हमने, नेक्स्ट क्लिप में हम इसको डिप टू वाइट लगा देते हैं, दो क्लिप्स के बीच में जाके मैंने ट्रैक किया, और इस तरह से आपके पास बहुत सारी और स्टाइलाइज ट्रांजिशंस मौजूद हैं। मैं अगर आपको और इसमें दिखाऊं, ये मेरे पास जूम का टैब है, जिस तरह क्रॉस जूम, इसको लगा के देखते हैं ये क्या करता है, इसको जूम करेगा तो इस वक्त ये हमने इसको मैन्युअली नहीं किया, ये ट्रांजिशन यहाँ से इसको जूम इन कर रही है। तो आपके पास बहुत सारी डिफरेंट ट्रांजिशन मौजूद हैं, आप इनको एक्सप्लोर करें, बारी बारी देखें, आप इनको पर्पसली यूज़ करें जहाँ पर आपको ज़रूरत है। आप देख रहे हैं अब मैंने यहाँ पर पुश लगाया था तो इसने इसको यहाँ पर पुश किया और आपके पास नेक्स्ट शॉट आ गया। फर्दर इनको मज़ीद अमेंड करने के लिए, कुछ फर्दर इनकी सेटिंग्स देखने के लिए, तो हर ट्रांजिशन पे अगर आप किसी पे यहाँ पर क्लिक करेंगे और अपने इफ़ेक्ट कंट्रोल विंडो, जैसे कि हम बता चुके हैं बहुत इंपॉर्टेंट विंडो, अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त आपके पास इफ़ेक्ट कंट्रोल विंडो में टोटली इंटरफेस चेंज हो चुका है, जो कि पहले आपके पास अगर क्लिप सिलेक्ट हो तो आपके पास एक बेसिक प्रॉपर्टीज आती हैं, इस वक्त मेरे पास ट्रांजिशन सिलेक्ट है टाइमलाइन से तो मेरे पास कुछ इस तरह से ऑप्शंस आ रही हैं। आप इस ट्रांजिशन की ड्यूरेशन को भी चेंज कर सकते हैं, इस वक्त ये मुझे बता रहा है जो कि हमारा टाइम कोड का एक फॉर्मेट होता है उस हिसाब से कि ये एक सेकेंड और पाँच फ्रेम की ट्रांजिशन है। अगर मैं इसको कम करना चाहता हूँ तो मैं इसको मे बी यहाँ पर ज़ीरो सेकेंड करता हूँ और मैं फ्रेम में जाके इसको 10 फ्रेम कर लेता हूँ, एंटर करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर फिजिकली भी इसकी ड्यूरेशन बदल चुकी है, यहाँ पर ये छोटा हो चुका है और जब हम इसको प्ले करेंगे तो ये जो कि एक सेकेंड पाँच फ्रेम पे जा रहा था और अब ये सिर्फ 10 फ्रेम पे ट्रांजिशन लग चुकी है। फर्दर इनकी और भी ऑप्शंस मौजूद हैं, मैं इसको अंडू कर देता हूँ ताकि हमारे पास ट्रांजिशन विजिबल रहे। फर्दर आप देख सकते हैं कि आपके पास छोटे छोटे ये एरोज आ रहे हैं, अगर मैं ऊपर वाले एरो को क्लिक कर दूंगा तो वो जो पुश ट्रांजिशन थी जो कि राइट की तरफ जा रही थी, इस वक्त वो ऊपर से नीचे की तरफ आ गई। अगर मैं डाउन एरो को क्लिक कर दूंगा, हम इसको देखते हैं तो ये नीचे से इसको ऊपर पुश कर देगा। तो हर ट्रांजिशन की अपनी अपनी सेटिंग्स के हिसाब से इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। अब किसी और ट्रांजिशन में कोई और ऑप्शंस मौजूद हो सकती हैं, या आपने खुद से लगानी है, इनको एक्सप्लोर करनी है, और आपने कभी भी इनको ओवरडू नहीं करना, आपने इनको पर्पसली यूज़ करना है, अपने ट्रीटमेंट के हिसाब से यूज़ करना है। अगर आपका ट्रीटमेंट इस तरह का है जिसमें आपको थोड़ा सा इस तरह की मेलो कुछ थोड़ी सी फील है, या थोड़ा सा आपको इसको डिसॉल्व टाइप का ट्रीटमेंट रखना चाहिए, कहीं पर आपका कोई फ़न किस्म का ट्रीटमेंट है, वहाँ पर आप ये शेप्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह के हमने देखी आपके पास वाइप में बहुत सारी शेप्स मौजूद हैं। आप हम एक ट्राई भी करते हैं, क्लॉक वाइप मैंने लगाई यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह हमारे पास क्लॉक का एक क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है, तो इस तरीके से आपके पास ये मूवमेंट चली गई।
आपके पास सिंगल क्लिप पड़ा हुआ है, दो क्लिप साथ जुड़े हुए नहीं है। अगर आप इधर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो ब्लैक के साथ उसको शुरू करेगा क्योंकि इससे पहले, या फिर उसके बाद उसको ब्लैक मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से इसने ब्लैक से इसको शुरू किया और ट्रांजिशन पूरी हुई। इसके बाद इस वक्त भी ये आउट होगी तो ब्लैक के साथ होगी। तो वही जो डिज़ोल्व हम दो क्लिप्स के बीच में लगा रहे थे, अगर हम यहाँ पर डिज़ोल्व लगा दें तो आप देख सकते हैं कि वही डिज़ोल्व इस वक्त आपका ब्लैक की तरफ चला गया और ये फेड टू ब्लैक हो गया। पहले पॉइंट पे लगाएंगे तो इसको हम, आप देख सकते हैं फेड इन, मतलब ब्लैक की तरफ से आपका एक्चुअल फुटेज की तरफ फुटेज आहिस्ता आहिस्ता से आ गया। ड्यूरेशन इसकी मुझे बढ़ानी हो तो मैं इसको यहाँ से जाके फ्रेम को मैं थोड़ा सा 20 कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ से ये बढ़ गया। छोटी सी टिप मैं आपको ये भी देता चलूँ कि अगर ड्यूरेशन ही खाली आपको बढ़ानी हो, आप चाहें तो इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं। आपके पास सेम ड्यूरेशन की विंडो जो आप ऊपर से इफेक्ट कंट्रोल विंडो से चेंजेस कर रहे थे वो आप यहाँ से कर सकते हैं, या फिर आप इसी सिलेक्शन टूल से इसके पास जब अपना माउस लेके जाएंगे तो आप देख रहे हैं आइकन बदल चुका है और आप इसको ड्रैग करके भी ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त जो ये डिजॉल्व था वो आपका बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जहाँ तक आपकी ट्रांजिशन चल रही है वहाँ तक वो उसको लेके चल रहा है, और उसके बाद जो था डिजॉल्व छोटा था ड्यूरेशन का, तो आप देख रहे हैं कि वो जल्दी से फेड आउट हो गया। तो ये जो सारी ट्रांजिशन है, मैं चाहूँगा कि आप बारी बारी इन सबको इम्प्लीमेंट करें, सबको लगाएं, क्लिप्स के बीच में लगाएं। इनको लगाने के बाद फर्दर इनकी सेटिंग्स को इफेक्ट कंट्रोल विंडो से जाके इनको चेंज करके देखें, इनको एक्सप्लोर करें और अपने एडिट को एंजॉय करें। जो चीज़ आप क्रिएट कर रहे हैं उसका ट्रीटमेंट उस तरीके से उसको लेके चलें। फन आपका अगर ट्रीटमेंट है, आपके पास कुछ म्यूज़िक इस तरह का है, कुछ कॉमिकल एलिमेंट हैं बीच में, तो आप इस तरह की शेप्स वगैरह बिल्कुल यूज़ करें। नहीं तो आप चाहें तो इसको सिंपल डिजॉल्व्स में, डिप टू वाइट में, या इस तरह की और जो बेसिक ट्रांजिशंस हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, सारा एक्सप्लोर करें, आगे फर्दर चीज़ें हम और देखते जाएंगे।